मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मरियर गलियात में ज़्यादा बर्फबारी का इम्कान, अलर्ट जारी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश से तवील खुश्क मौसम बिल आखिर ख़त्म हो गया है। मरियर गलियात में पीर से बुध तक मौसम शदीद सर्द रहने, बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कनाडा फलस्तीनियों की हिमायत करने वाली अक्वामे मुत्तहिदा की एजेंसी की फंडिंग मुअत्तल करने में अमेरिका के साथ शामिल हो रहा है। इस इल्ज़ाम के जवाब में कि एजेंसी के अमले ने गुज़िश्ता अक्टूबर में इसराइल पर हमास के हमले में किरदार अदा किया था। कंजर्वेटिव अपोजिशन अवामी पोलिंग में मजबूत बरतरी बरकरार रखे हुए है। कनाडा की वफाकी सियासी जमातें हाउस ऑफ कॉमन्स के एक और इजलास की तैयारी कर रही हैं। शामी सरहद के करीब ड्रोन हमले में 3 अमरीकी फौजी हलाक, 30 जख्मी। अमरीकी सदर का 3 फौजियों की हलाकत का बदला लेने का ऐलान। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा ने हमास के हमले की तहकीकात के दौरान फलस्तीनियों की खदमत करने वाली अक्वामे मुत्तहिदा की एजेंसी के लिए इमदाद मुअत्तल कर दी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा ने हमास के हमले की तहकीकात के दौरान फलस्तीनियों की खदमत करने वाली अक्वामे मुत्तहिदा की एजेंसी के लिए इमदाद मुअत्तल कर दी। कनाडा फलस्तीनियों की हिमायत करने वाली अक्वामे मुत्तहिदा की एजेंसी की फंडिंग मुअत्तल करने में अमेरिका के साथ शामिल हो रहा है। इस इल्ज़ाम के जवाब में कि एजेंसी के अमले ने गुज़िश्ता अक्टूबर में इसराइल पर हमास के हमले में किरदार अदा किया था। कनाडा ने मशरिक वस्ता में फलस्तीनी पनाह गुजीनों के लिए अक्वामे मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के लिए किसी भी इजाफी फंडिंग पर आर्जी तौर पर तौकफ का हुक्म दिया है। UNWRA के नाम से जानी जाने वाली एजेंसी के डायरेक्टर का कहना है कि इसने हमास के हमले में मुलाविस होने का शुबा रखने वाले अमले को ये बताए बगैर ख़त्म कर दिया है कि वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि उसे यकीन है कि अमले के 12 अफराद को मुलाविस होने के इल्जामात का सामना है। कनाडा की बैनुल अक्वामी तरक्की के वजीर अहमद हुसैन का कहना है कि तहकीकात होने तक कनाडा दीगर एजेंसियों के जरिए गजा में फलस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद फराहम करेगा। उनका कहना है कि UNRWA को उसके किसी भी अमले के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिसका हमलों में किरदार साबित हो। कनाडा इन रिपोर्ट्स को इंतहाई संजीदगी से ले रहा है और इस मामले पर UNRWA और दीगर अतिया दहंदगान के साथ मिलकर काम कर रहा है। अक्वामे मुत्तहिदा के इदारे का कहना है कि इसराइल और हमास की जंग के दौरान इसके 153 अमले की मौत हो चुकी है और तकरीबन 13,000 अमला अब भी गजा की पट्टी में इमदाद पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। कनाडा की विफाकी पार्टियां पार्लियामेंट के मौसम बहार के इजलास के लिए तैयार होने के साथ ही महंगाई तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के विफाकी पार्टियां पार्लियामेंट के मौसम बहार के इजलास के लिए तैयार होने के साथ ही महंगाई तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। कंजर्वेटिव अपोजिशन अवामी पोलिंग में मजबूत बरतरी बरकरार रखे हैं। कनाडा की विफाकी सियासी जमातें हाउस ऑफ कॉमन्स के एक और इजलास की तैयारी कर रही हैं। कंजर्वेटिव रहनुमा पियर पॉलिवर का कहना है कि ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसे जस्टिन ट्रूडो की गोद में गिरा दिया गया हो। ये एक ऐसा मसला है जो उसने अपने महंगाई के अखराजात से पैदा किया है और मकामी ब्यूरोक्रेसियों को मुस्तकिल तौर पर बनाकर जो कि घर की तामीर को रोक है। उसने कई बार इस परहेज को दोहराया जो कंजर्वेटिव की मुखालफत में उनकी अगली मुद्दत के लिए तरजीहात का खुलासा करता है कि टैक्स को खत्म करो, घर तामीर करो,
بجٹ ٹھیک کرو اور جرائم کو روکو۔ فرانسیسی میں پالیور نے مختلف مسائل پر وفاقی حکومت کی حمایت کرنے کے لیے بلاک کیوبیکو پر اپنی تنقید پر توجہ مرکوز کی، جبکہ انگریزی میں اس نے اسی طرح این ڈی پی اور لبرلز کو ایک مہنگے اتحاد کے طور پر پیش کیا۔ پالیور نے بل C234 کا حوالہ دیا۔ مجوزہ قانون سازی کا مقصد کسانوں کو کاشتکاری کی کچھ سرگرمیوں میں استعمال ہونے والے ایندھن پر کاربن ٹیکس ادا کرنے سے مستثنا کرتا ہے، جیسا کہ ایم پیز اس ہفتے ہاؤس آف کامنس میں واپس آنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کنزرویٹو اس بات کو برقرار رکھتے ہیں کہ پولز کے مطابق کم از کم 10% پوائنٹس بہت سے سروے میں عوامی حمایت میں ہے۔ پیئر پالیور کا کہنا تھا کہ ٹروڈو کے اقتدار میں تقریباً 9 سال تھے اور متوسط طبقے کے بڑھنے کے بجائے حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ گروسری لینا زیادہ مہنگا، کرایہ یا رہن رکھنا زیادہ مہنگا ہے، زندگی مشکل تر ہو گئی ہے، تنخواہیں نہیں ہیں، برقرار رکھا وہ رابطے سے باہر ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم نے موسمیاتی تبدیلی پر حکومتی کارروائی اور دانتوں کی دیکھ بھال جیسے نئے پروگراموں پر روشنی ڈالی، جبکہ متنبہ کیا کہ کنزرویٹو حکومت کینیڈا کو انتہائی دائیں طرف لے جائے گی۔ اس نے خاص طور پر مٹی بھر کنزرویٹو ایم پیز کا نام لے کر حوالہ دیا، جس کو اس نے کینیڈا کی اقدار سے بے تعلق قرار دیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے شام کے قریب ڈرون حملے میں ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے شام کے قریب ڈرون حملے میں ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، مشرق وسطی میں گزشتہ رات امریکہ کے لیے بہت سخت رہی، ہمارے 3 بہادر فوجی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ لیا جائے گا۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ امریکی فوجیوں پر ڈرون حملے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی اپنے منتخب کیے گئے وقت اور انداز سے کریں گے، امریکی فورسز پر حملوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس طرح کے واقعات روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گے۔ شام کی سرحد کے قریب ڈرون حملے میں 3 امریکی فوجی مارے گئے تھے جبکہ 8 زخمی ہوئے تھے۔ حماس کے رہنما کا کہنا تھا کہ 3 فوجیوں کی ہلاکت امریکہ کے لیے پیغام ہے۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستانی اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔